यस वी आर लाइव नाउ, दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप बहुत ही बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार, जानदार यहाँ पे। सो जैसा आप सब जानते हैं कि कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम 2024 के, CDP पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सा एक हमारा जो है सेशन है, और आज का जो सेशन है वो है स्पेशल CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पार्ट यहाँ पे 27 है, इससे पहले हमने 26 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। जिस फ्रेंड्स ने अभी तक 26 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप वॉच कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सेशन है। तो चलिए यहाँ फिर देखते हैं, स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। और देखो यहाँ पे हम जो है 15 क्वेश्चन करेंगे, और 15 क्वेश्चन के जो यहाँ पे चार ऑप्शन है ना, बेहतरीन तरीके से समझेंगे और बिल्कुल एक सिंपली भाषा में मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो चलो फिर यहाँ पे देखो, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नम्यता संप्रत्यय क्या सुझाता है? बाल्यावस्था और किशोर अवस्था का पूर्वावस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, ये गलत हो गया। आप मुझे बताइए, क्या विकास सभी बालकों में एक समान रूप से होता है? भाई पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कितने बालक हैं यहाँ पे? क्या वो सभी यहाँ पे जो है एक ही साथ में बोलना, चलना, घूमना, फिरना, खाना, सोना, हंसना, रोना, बैठना, उठना, जगना, सब चीज़ क्या वो बिल्कुल एकदम साथ साथ करते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, सब क्या है भाई, भिन्न भिन्न होते हैं। विकास जो है सभी बालकों में भिन्न भिन्न दर पर होता है, ना कि एक समान होता है। तो ऐसे ही गलत हो गया। केवल अनुवांशिकता विकास को प्रभावित करता है वातावरण ही। अब स्टार्टिंग में ही केवल वर्ड्स आ गया, ये ऑप्शन भी वैसे ही हमारा कट हो गया। कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पर, थोड़ा क्या लगाइए, थोड़ा कॉमन सेंस के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। रटना कुछ नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बिल्कुल समझो और समझ के कीजिए। तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो, क्योंकि यहाँ पर जो है विकास को अनुवांशिकता और इन्वायरमेंट दोनों प्रभावित करती है। अब देखो, एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिल्कुल एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। क्यों नहीं करता है? बिल्कुल ऑब्वियसली करता है। मानो कि यहाँ पे देखो आपका मानसिक विकास है और यहीं पर आपका शारीरिक विकास है, तो शारीरिक विकास आपके मानसिक विकास को प्रभावित करेगा, मानसिक विकास भी आपका शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली करेगा यहाँ पर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। देखो मस्तिष्क नम्यता संप्रत्यय का मतलब यही होता है। बाल्यावस्था जो कि यहाँ पे बताई गई है, जो बाल्यावस्था की स्टेज है, बाल्यावस्था की स्टेज यहाँ पे 6 to 11 बताई गई है, फिर किशोर अवस्था की 12 to 18 बताई गई है। ये जो दोनों यहाँ पे स्टेज है ना, इन दोनों स्टेज में मस्तिष्क नम्यता संप्रत्यय सुझाव देता है कि इसमें पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या है, संवेदनशील अवस्था है। क्योंकि इस टाइम पर जो है बालक का मस्तिष्क का विकास भी और मानसिक विकास भी, साथ ही साथ में शारीरिक विकास भी, साथ ही साथ में और भी सारे जो यहाँ पे सारे विकास है, डेवलप है, वो बेहतरीन तरीके से होते हैं। देखो यहाँ पे आप बात करो बाल्यावस्था में आप कितने जो है यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे जो है तर्क वितर्क भी करने लगते हैं। और भाई ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जब आप किशोर अवस्था के स्टेज में आते हैं तब तो बिल्कुल आप परिपक्व हो जाते हैं। इस वाले टाइम पर तो आप अपने फ्यूचर की भी जो है जिम्मेदारी को संभालने की कोशिश करते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मैं बनूंगा, क्या मैं बनूंगी, क्या मेरा फ्यूचर होगा, क्या नहीं होगा, मुझे किस जो है बंदे के साथ में सही से बात करनी है, किसके साथ में नहीं करनी है, कौन मेरे लिए बेटर है, कौन मेरे लिए बुरा है, सारी चीज़ हमें ये जो है समझ आ जाती है इस वाले फील्ड में। यानी कि संज्ञानात्मक विकास यहाँ पे हमारा हो चुका होता है, मानसिक विकास भी हो चुका होता है यहाँ पे, शारीरिक विकास भी हो चुका होता है, और भी जितने आपके सारे यहाँ पे डेवलप है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बेटर इस वाले स्टार्टिंग में होते हैं। तो बस यही कहा गया है, तो यही मस्तिष्क नम्यता संप्रत्यय का आपका क्या है, ये सुझाव देता है। इस वक्त अगर हम बात करें, मस्तिष्क बिल्कुल आपका बेटर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सही तरीके से आप सही गलत की समझ यहाँ पे पकड़ लेते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलो आयु बिल्कुल आप समझ गए होंगे। देखो सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो सेकंड, किसी व्यक्ति की अनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, बताइए। किसी व्यक्ति की हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, परिवेश से संबंधित स्रोत, क्या इस पर विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। देखो हेरिडिटी, मानो कि कोई बच्चा अपने जो है अनुवांशिक के थ्रू यहाँ पे उसकी हेरिडिटी अगर बेटर है। देखो कोई यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं कि कमजोर भी होते हैं,
हैं, क्या होते हैं, वीकनेस होते हैं जब उनका बर्थ होता है, तो तब से ही अपनी माँ के गर्भ में भी जो है कुछ बच्चे वीक होते हैं, जब उनका जन्म होता है तब भी वो वीक होते हैं। तो यहाँ पर जो है उनका बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। देखो जिस तरह के भी बच्चे होंगे उसका विकास पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑब्वियसली ये सिंपल सी बात है। और भाई वातावरण का तो बिल्कुल पड़ता ही है, बाहर जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो अपने वातावरण से इंटरेक्शन करता है, तो उस माध्यम से किस तरह से जो है जैसा भी उसे इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, यहाँ पर उसी तरह से जो है उसका डेवलप होता है। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रोक देता है। पारस्परिकता नहीं करते और न ही विकास को प्रभावित करते हैं, गलत हो गया, क्यों नहीं करते, बिल्कुल पारस्परिकता भी करते हैं और विकास को प्रभावित भी करते हैं। विकास पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं, क्यों डालते हैं बहुत कम प्रभाव, पूरा 100% प्रभाव होता है दोनों का, हेरिडिटी का भी और इन्वायरमेंट का भी। आप अपने वातावरण में घुल मिलकर जो है सभी के साथ में, अपने समाज में, संस्कृति में, अपने जो है साथ के फ्रेंड्स लोगों में, अपने पेरेंट्स में, सबके साथ में विचार विमर्श करते हैं, संप्रेषण करते हैं और चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, पूरे अपने संसार के साथ में जुड़ करके इंटरेक्शन करते हैं, सीखते हैं क्या है दुनिया, क्या नहीं है, कैसे जिया जाता है, क्या सब चीज़ है, क्या है जीवन, समझे। तो यहाँ पर हम कहेंगे एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को क्या देते हैं, रूप देते हैं। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो अगर आपको यहाँ पे बर्थ हुआ है तो इतना भी आसान नहीं है जीवन को जीना, इतना भी आसान नहीं है जीवन को जीना, इतना भी कठिन नहीं है जीवन को जीना। आगे आप जिस मोड़ पर आते जाएंगे, हर एक मोड़ पर आपको यहाँ पे कठिनाई भी महसूस होती जाएगी, और जितनी भी कठिनाई होगी उतनी ही हमें जो है यहाँ पे बहुत, जब हमें कठिनाई से जूझते हुए जब हमें तरक्की प्राप्त होगी तो वो जो है हमारे लिए एक इंजॉयमेंट, सबसे बेहतरीन, सबसे बेटर यहाँ पे जो है निकल कर आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे किशोर अवस्था से प्रौढ़ावस्था की स्टेज में बढ़ते हैं, यहाँ पे 21 22 23 30 प्लस की इसमें एज में होते हैं, उस टाइम पे अगर आप गर्ल्स हैं, आपकी शादी वादी होती है तो बहुत चेंजमेंट होता है आपकी लाइफ में, और आप बॉयज़ हैं, यहाँ पे आप बॉयज़ हैं तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी व्यवसाय को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के तो बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत चेंजमेंट होता है। जीवन साधारण चीज़ नहीं है, इसलिए तो कहा गया है एक जटिल तरीके से, क्या, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को प्रभावित करता है, समझे। देखो आप यहाँ पे भाई रहते हैं अपने समाज में, कोई ऐसा है कि आपके साथ में लड़ता भी है, किसी के साथ में आपका झगड़ा भी होता है, कोई अच्छे इंसान नहीं है, बुरे इंसान हैं आपके साथ में, कभी किसी के साथ झगड़ा वगैरह इस तरह से भी 100 बातें हैं लाइफ में, कुछ भी हो जाता है, तो हमें किस तरह से उनके साथ में इंटरेक्शन करना है, कैसे वहाँ से बच के निकलना है, यही क्या है एक जटिल जीवन जीने की, क्या है यहाँ पे पारस्परिकता रूप देता है विकास को, समझे। तो समझ आया, बस यही बात कही गई है इसमें। आगे नेक्स्ट देखो, एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पार्ट से पता है, विद्यालय से, मीडिया से, माता पिता, अखबार। देखो एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पार्ट किससे पाता है, तो भाई यहाँ पर सामाजिकरण का अगर हम प्रथम बात करें, देखो सामाजिकरण का अगर हम यहाँ पर प्रथम पार्ट की बात करें तो यहाँ पर कौन है, बिल्कुल मैंने बताया है, विद्यालय तो द्वितीय में आएगा, मीडिया द्वितीय में, अखबार द्वितीय में क्या होंगे, पेरेंट्स, हमारे माता पिता, स्पेशल हमारी मम्मा, हमारी माँ, समझे। तो एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पार्ट किससे पाता है, अपनी माता पिता से, बताइए। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो बर्थ के बाद में आप मुझे बताइए क्या विद्यालय बच्चे का यहाँ पे पालन पोषण करेगा, यहाँ पे देखो भाई कितना जो है परेशान करते हैं बच्चे रात को भी और दिन में भी, तो उनकी जो है उनका ख्याल रखना, उन्हें नहलाना दहलाना, उन्हें खाना वाना दूध वूध सब कुछ यहाँ पे खिलाना, और भी बहुत सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या यहाँ पे विद्यालय पूरी करता है, क्या मीडिया पूरी करती है, इन्हें क्या मतलब है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने बच्चों की अपने अपने पेरेंट्स यहाँ पे करते हैं, तो क्या है, माता पिता है, समझे। तो हमारा जो प्रारंभिक सामाजिकरण है वो क्या है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता है, समझे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे फॉर क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आप पढ़िए, यहाँ पर कोई भी ये नहीं कि हम आपको एक जो है इंग्लिश के थ्रू या फिर अंग्रेज बन जाएंगे पढ़ाते हुए, नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपकी क्षेत्रीय भाषा से जोड़ते हुए मैं चीज़ों को कनेक्टेड करने की कोशिश करती हूँ। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बात करें, निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए, देखो संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। देखो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कितनी अवस्थाएँ बताई है,
मैंने पढ़ाई हुई है थ्योरी, चार अवस्था बताई है इन्होंने। और यहाँ पे समेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, जो ये स्टेज है 0 से 2 है, ये 2 से 7 है, ये 7 से 11 है, ये 11 से 18+ है। अब यहाँ पे बता रहे हैं संकेतों का इस्तेमाल। देखो जो यहाँ पे सेंसरी मोटर संवेदी गत्यात्मक वाली स्टेज है, इस वाली स्टेज में तो बच्चा भाई संकेत के माध्यम से चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। अगर आप 0 से 2 साल के बच्चे को संकेत देकर समझाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इतना छोटा है अभी, उसके जो है माइंड का इतना विकास नहीं हुआ कि वो आपके संकेत के थ्रू यहाँ पे समझे और समझने की कोशिश करे। नहीं, देखो मूर्त संक्रियात्मक, इसमें तो ये भाई बढ़िया परिपक्व हो जाता, तर्क वितर्क करने लगता है, तार्किक चिंतन की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है, और यहाँ पर तो पूरा परिपक्व है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रीपोपनेशन होगा, ठीक है, क्या होगा देखो यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पूर्व संक्रियात्मक, थोड़ा इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो गए थे, इंग्लिश में थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्री ऑपरेशंस होगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कन्फ्यूज हो गया इंग्लिश वाले में, तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक बीज ऑप्शंस होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो 2 से 7 साल के जब आप एज में होंगे, इस टाइम पे आप संकेतों का इस्तेमाल करना बिल्कुल जान जाएंगे। मानो कि यहाँ पे जो है आपका बैग, आप स्कूल जा रहे हो तो बैग आपका कहाँ पे रखा हुआ है, आप बोल रहे हैं कि मम्मा बैग कहाँ है, या फिर अपनी बहन को, भाई को, किसी को बोल रहे हैं बैग कहाँ पे रखा हुआ है मेरा, तो संकेत के माध्यम से बता देंगे कि घर पे वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपका बैग मिल जाएगा। आपको पता है संकेत के माध्यम से आप समझ गए, उठा लो जा करके, और क्या, समझे, तो बस यही यहाँ पे जो है बात की गई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जिन पैसे के अकॉर्डिंग बात करें, मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है, ऑपरेशंस कहलाती है, स्कीमा कहलाती है, या फिर यहाँ पे अनैच्छिक सहज क्रिया कहलाती है, या फिर कंसेप्ट कहलाती है, संप्रत्य कहलाती है। तो देखो जीन पैसे के अकॉर्डिंग बात करें, मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं, भाई वैसे भी हमें जीन पैसे के थ्रू यहाँ पे बताना है, तो ये अनैच्छिक क्रियाओं की बात नहीं करते, संप्रत्य की बात नहीं करते, संचालन की भी नहीं, स्कीमा, बिल्कुल 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 इनका ऑप्शन यहाँ पे स्कीमा है, ये कहाँ जाएगा बच्चे के, बिल्कुल बेटर ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, और ये जो है जीन प्याजे स्वम देते हैं। देखो स्कीमा क्या कहते हैं, देखो हम अपने माइंड में जब छोटे छोटे फोल्डर बना लेते हैं, हम अपने दिमाग में, मस्तिष्क में जब छोटे छोटे फोल्डर बना लेते हैं, मानो कि ये फोल्डर मेरा, यहाँ पर इस वाले फोल्डर में मुझे सारी ABCD आती है, इस वाले फोल्डर में मुझे सारे टेबल याद है, इस वाले फोल्डर में मैंने पशु पक्षी जानवर जितने भी हैं उनके नाम याद किए हुए हैं, इस वाले फोल्डर में मैं कौन से कपड़े पहनती हूँ, कब पहनती हूँ, कब पहनता हूँ, ये जो है मैंने रखा हुआ है, और फिर नेक्स्ट फोल्डर में मैंने कि मैं हिंदी कैसे पढ़ती हूँ, ये सारी चीज़ें ही यहाँ पर जो है आ जाती है। तो ये छोटी छोटी है, अब छोटे छोटे हमने यहाँ पे रूप देखो यहाँ पे दिए हुए हैं कि मैंने यहाँ पे ABCD के क्रम बनाए हुए हैं कि कैसे जो है आपकी टेबल्स के 2, 3, 4, 5 देखो जितने भी टेबल्स हैं, ठीक है, जितने भी आते हैं आपसे यहाँ पे, उसका मैंने एक फोल्डर बनाया। तो जब हम अपने दिमाग में छोटे छोटे फोल्डर फिल्ड कर लेते हैं, कहाँ पे, अपने दिमाग में हम छोटे छोटे फोल्डर फिल्ड कर लेते हैं, और यहीं से इसी के बेस से यहाँ से अगर हम पूछते हैं, बताइए कि आप यहाँ पे हमें बताइए A4 क्या होता है, तो आपने पढ़ा हुआ कि हाँ ABCD मैंने पढ़ा हुआ है, A4 क्या होगा, एप्पल, तो आपने इस फोल्डर की सहायता ली और ए से आपने क्या बनाया, A4 एप्पल बनाया, समझे, इस फोल्डर की आपने सहायता ली, यानी कि आप अपने पूर्व ज्ञान से, जो आपका ज्ञान है इन फोल्डर्स में, आपने इनकी हेल्प ली और नए ज्ञान को उजागर किया, यही क्या है, स्कीमा है, समझ आ गया होगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्य की चर्चा निम्न में से किसने की है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, लेवाइगोत्स्की ने, जीन प्याजे ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD, तो ZPD की बात कौन करते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं, लॉरेंस जो कोहलबर्ग हैं ये नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, और इन्होंने जो है यहाँ पर अपने तीन तो चरण बताए हैं, और तीन चरण में 6 इनके क्या है, उपचरण है। यहीं पर जीन प्याजे ये यहाँ पे 4 अवस्थाओं की बात करते हैं, और इन्होंने यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है।
और हावर गार्डनर यहीं पर ये जो है बहुबुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करते हैं। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ पे ये जो है सिद्धांत दिया हुआ है। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र यहाँ पे कौन भाई, लेव वाइगोत्स्की। कौन है, लेव वाइगोत्स्की है। सो यहाँ पे बीज ऑप्शन होगा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, जब हम यहाँ पे जो है किसी व्यक्ति के या फिर किसी बच्चे के यहाँ पे थोड़ा लेवल से अप लेवल का हम उसे वर्क देते हैं। तो मानो कि देखो अगर हम उसे थोड़ा और यहाँ पे जो है कठिन या फिर तर्क वाला चिंतन वाला कार्य देते हैं करने के लिए, तो उसमें थोड़ा उसे यहाँ पे जो है समस्या को जो है सॉल्व करने के लिए थोड़ा और यहाँ पे जो है तर्क वितर्क करना होता है। और इस जो है सिस्टम में उसे काफ़ी इंजॉय भी आता है, काफ़ी इंटरेस्ट भी आता है, काफ़ी रुचि लेता है, काफ़ी मज़ा यहाँ पे जो है उसे आता है। तो यही क्या है, जेड पी डी है, लेव वाइगोत्स्की ये जो है देते हैं यहाँ पर जेड पी डी। एक यहाँ पर क्या है, पाड़ है, जिसको हम स्केफोल्डिंग कहते हैं। पाड़ ये होता है कि देखो अगर हम किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को, किसी को भी उसके लेवल से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे वर्क देते हैं और उस वर्क को करने में उसे क्या यहाँ पे कठिनाई फील हो, देखो यहाँ पे कठिनाई फील नहीं हो रही है, यहाँ पे तो उसे इंजॉय आ रहा है, मज़ा आ रहा है तर्क वितर्क करने में और एक्स्ट्रा चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे पार्ट में अगर इसे थोड़ी कन्फ्यूजन होता है तो फिर टीचर्स देखो पूरा सोल्यूशन नहीं बताते, संकेत और बस इशारे के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स स्वयं करता है। ये क्या है, पाड़ है, ये भी समीपस्थ विकास क्षेत्र का जो यहाँ पे है ना, यही जो है लॉरेंस को सॉरी वाइगोत्स्की का पाड़ भी और ये भी यहाँ पे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। चलो समझ गए होंगे। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से की महत्वता पर जोर देते हैं, संस्कृति परिपक्वता है, नकारात्मक प्रतिपुष्टि पुनर्बलन। देखो यहाँ पे जो है पुनर्बलन की बात नहीं करते, निगेटिव फीडबैक की बात नहीं करते, परिपक्वता की बात नहीं करते, मैच्यूरेशन की भी किसकी बात करते, कल्चर्स की, एक यहाँ पे जो है सामाजिक संस्कृति की बात करते। कौन, वाइगोत्स्की की बात हुई है, बताइए ये यहाँ पे कल्चर्स और सोशल इसकी बात करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया इन्होंने। तो यहाँ पे परिपक्वता, नकारात्मक प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन इनकी तो बात नहीं हुई है, तो ये इनके क्या है, टैग वर्ड्स नहीं है। जो ये वाइगोत्स्की इनका टैग वर्ड से संस्कृति अगर समाज होता तो वो होता यहाँ पर। ये क्या कहते हैं कि बच्चे किस तरह सीखते हैं, अपने समाज में इंटरेक्शन करके, अपनी संस्कृति को फॉलो करके, अपने समाज में इंटरेक्शन के माध्यम से चीज़ों को खोज के श्रम माध्यम से जो है यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं, उनके साथ में इंटरेक्शन करते हैं, संप्रेक्षण विचार विमर्श करते हैं, उसके ही माध्यम से चीज़ों को ये स्वयं जो है सीखते जाते हैं। ये कहते हैं कौन, वाइगोत्स्की। चलो समझ आ गया होगा, नेक्स्ट है। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था, बी एफ स्किनर है, हार्वर्ड गार्डनर है, लॉरेंस कोहलबर्ग है, वाइगोत्स्की। देखो इनमें से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करते हुए यहाँ पे जो है विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था, तो क्या होगा यहाँ पे भाई, आपका लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाएगा। कौन सा लॉरेंस, देखो नैतिक विकास, नैतिक तार्किकता, फिर नैतिक विकास की बात कौन करते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग करते हैं। और मैंने बताया तीन तो इनके क्या है, चरण है, और इसी में जो है छह इनके क्या है, उपचरण है। क्या है, देखो फर्स्ट यहाँ पे देखो इनका क्या है, पूर्व परंपरागत है, फिर यहाँ पे जो है परंपरागत स्तर है, फिर है उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर की भी यहाँ पे दो उपचरण है, और पूर्व परंपरागत स्तर के भी दो चरण है, परंपरागत स्तर के भी दो यहाँ पे चरण है। तो बस इनकी बात कौन करते हैं, इनकी बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। यहाँ पे यही सिंपल सी बात की गई, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत देते हैं, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत यहाँ पर जो है क्रिएट करते हैं देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, बेटर क्वेश्चन है। अभिगतन, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, टीचर्स को कक्षा में कई प्रकार के अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और स्टूडेंट्स को उन्हें जाँचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई एक जो है टीचर्स को यहाँ पे जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ में क्वेश्चन पुटअप भी करने चाहिए, विचार विमर्श भी करना चाहिए, संप्रेक्षण भी करना चाहिए। जब शिक्षण गतिविधि चल रही है उस टाइम पे जब आप फीडबैक यहाँ पे ले रहे हैं, असेसमेंट जब करनी, सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, सभी चीज़ों का अधिगम लर्निंग यहाँ पे जो है कराना चाहिए। इससे जो है बेटर होगा और स्टूडेंट्स भी बेटर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही होगा। एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होता है, बिल्कुल सही बात है। एक सहायक माहौल इनकी वातावरण, देखो अगर आप बच्चे को एक बेहतरीन वातावरण प्रोवाइड कराते हैं तो बच्चा सीखने के प्रति ज्ञान निर्माण उसका बहुत ही बेहतरीन होता है। लेकिन अगर वातावरण
इंटरनल लड़ाई झगड़ा गाली गलौज इस तरह का है, तब बच्चा सीखने के प्रति उन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करेगा। अगर आप बच्चों को गाली सिखा रहे हो तो बिल्कुल ऑब्वियसली बच्चा गाली ही सीखेगा। अगर आप बच्चे को मार पीट रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही, इस तरह से ही यहाँ पे जो है व्यवहार करेगा। और अगर आप बच्चे को गाली देकर के बुलाते हैं तो बच्चा भी गाली ही देकर के बुलाएगा नेक्स्ट आपको। तो अगर आपका जो है यहाँ पे बच्चे के प्रति वातावरण माहौल एक बेहतरीन तरीके से आपने बढ़िया मैच्योर बना हुआ है, बढ़िया बनाया हुआ है, तो बच्चे का जो यहाँ पे ज्ञान निर्माण होगा करने में सक्षम भी होगा, रुचि भी आएगी, बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करेगा। अब जब दोनों ही सही है तो हमें और ऑप्शन पे जाने की कोई बात ही नहीं है, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी एक सिंपल सी भाषा में। आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि, आपका माइंड, आपकी नॉलेज, आईक्यू लेवल, किसकी आलोचना करती है ये, क्यों आलोचना करती है? देखो ये होगा पक्षपाती मानदंड। मानो कि एक साइड में क्या है, बॉयज है, एक साइड में गर्ल्स कैटेगरी है, एक साइड में बॉयज़ की कैटेगरी है। अब आप क्या कहते हैं कि अक्सर जो मैथ्स होता है, अक्सर मैथ्स को जो है बॉयज़ ही सॉल्व करते हैं, बॉयज़ ही मैथ्स को पढ़ सकते हैं, गर्ल्स मैथ्स को नहीं पढ़ सकती, तो ये इसके आईक्यू लेवल की आलोचना हुई कि नहीं हुई, बताइए आप मुझे, आईक्यू लेवल की आलोचना हुई कि नहीं? भाई इसमें भी आईक्यू लेवल है, इसमें भी आईक्यू लेवल है, यहाँ पर हमने कह दिया बॉयज़ मैथ्स को कर लेंगे, यहाँ पर हमने कह दिया गर्ल्स मैथ्स को नहीं कर सकती, तो ये क्या है, पक्षपाती मानदंड है। आईक्यू लेवल के भाई हमने मानसिकता के ज्ञान के आधार पर भी इन दोनों बच्चों में भेदभाव क्रिएट कर दिया, तो यही क्या है, आईक्यू लेवल की एक आलोचना है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ ही मैथ्स को सॉल्व कर सकते, नहीं, गर्ल्स भी मैथ्स को सॉल्व कर सकती है अगर वो कोशिश करे, बिल्कुल होती है, बहुत मैच्योर होती है गर्ल्स भी, है ना। और ये कह सकते हैं कि जो है गर्ल्स जो है इंग्लिश में बेटर होती है क्या, इंग्लिश में, और बॉयज़ इंग्लिश में बेटर नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, क्यों नहीं होते, बॉयज़ भी इंग्लिश में बेटर होते हैं, कोशिश करो, सब कुछ पॉसिबल है। तो यही क्या है, आईक्यू लेवल, यानी कि इन दोनों बच्चों के आईक्यू लेवल को लेकर के भी एक आलोचना है यहाँ पर, क्या, पक्षपाती मानदंड, समझे, समझ आया। देखो वैसे तो देखने में आपको थोड़ा ये अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा होगा और थोड़ा जो है यहाँ पे काफ़ी हार्ड सा भी लग रहा होगा, लेकिन अब बिल्कुल मैंने आपको सिंपली भाषा में एक्सप्लेनेशन किया, तो बताइए समझ आया कि नहीं आया, बताइए, कोई बिल्कुल भी यहाँ पे थोड़ी भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं लेनी है, सिंपल भाषा में हम करते चलेंगे, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, पक्षपाती मानदंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और मैंने आपको बिल्कुल सही से एक्सप्लेनेशन के थ्रू बता दिया है। नेक्स्ट, वाई गोत्सी का फिर से क्वेश्चन है, ले वाई गोत्सी के अकॉर्डिंग भाषा क्या है, चिंतन में बाधक है क्या, या फिर सुसाधित करने में कोई भूमिका ही नहीं निभाती, या फिर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, बहुत कम पड़ता है, नहीं बल्कि चिंतन को सुसाधित करती है। ले वाई गोत्सी के अनुसार भाषा क्या करती है, चिंतन को सुसाधित करती है। आप बताइए, आप कहीं पर भी रह लो, कहीं पर भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, क्या भाषा के बिना कुछ भी पॉसिबल ही नहीं? आप किसी के साथ में बातचीत करेंगे तो भाषा का यूज़ करेंगे, आप खुद से विचार विमर्श करें तो भाषा यूज करेंगे, आप किसी के साथ बोल रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं तो भाषा का यूज करेंगे, आप अपनी समस्या को प्रकट कर रहे हैं किसी के सामने तो भाषा का यूज करेंगे। भाई बिना भाषा बोल चाल के तो दुनिया ही नहीं टिकाऊ है, जैसे कि हमारे लिए पानी इंपोर्टेंट है ना, वही हमारे लिए भाषा भी क्या है, इंपोर्टेंट है, समझे। और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए, एक साइड में वाइगोत्स्की है और एक साइड में है कौन, पियाजे जी, जीन पियाजे, और एक साइड में है वाइगोत्स्की। देखो जो वाइगोत्स्की है ये इम्पोर्टेंस देते हैं भाषा को, ये किसको देते हैं, भाषा को, और प्याजे देते हैं विचार को। जिन प्याजे कहते हैं कि बालक पहले जो है विचार, ठीक है, बालक में पहले विचार थॉट्स उत्पन्न होते हैं और बाद में बालक में जो है भाषा आती है, लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, पहले बच्चे में भाषा उत्पन्न होती है फिर बाद में क्या आते हैं, विचार आते हैं। तो ये भाषा को इम्पोर्टेंस देते हैं जिन प्याजे, विचार को इम्पोर्टेंट देते हैं। इनके भी अंतर से एक क्वेश्चन जरूर आपका एग्जाम्स में बनता है, समझे। चलो नेक्स्ट, ये भी बेटर क्वेश्चन है,
वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? जेंडर यहाँ पे जो है रूढ़िवादिता है या फिर समावेशी है या फिर जेंडर जो है आपकी इक्वालिटी है या फिर यहाँ पे डिस्कवरी अप्रोच है, खोजी उपागम है। तो देखो यही बात हुई है, फिर से भेदभाव वाली बात कर दी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गर्ल्स है वो तो गृह विज्ञान पढ़ेगी, उसका जो विषय है यहाँ पर हमने चुन लिया कि गर्ल्स सभी गृह विज्ञान पढ़ेंगे और जो बॉयज़ है वो शारीरिक शिक्षा के विषय को फॉलो करेगा। शारीरिक शिक्षा आपने पढ़ा होगा है ना, ट्वेल्थ तक आपने पढ़ा होगा ना, शारीरिक शिक्षा का एक सब्जेक्ट होता है। तो भाई शारीरिक शिक्षा का सब्जेक्ट है जो ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए पॉसिबल होता है, नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपका बॉयज के लिए। और हाँ, ये नहीं कह सकते कि लड़कियों के लिए सिर्फ और सिर्फ गृह विज्ञान का ही विषय पॉसिबल है, नहीं, गर्ल्स मैथ्स भी ले सकती है। गृह विज्ञान जरूरी नहीं कि गृह विज्ञान ही चूज करे, गृह विज्ञान भी ले सकती है और मैथ्स भी चूज कर सकती है। ये क्या हुआ यहाँ पे, सरासर इन्होंने पक्षपाती बात कर दी। किसकी पक्षपाती बात कर दी? जैसे कह देगी यहीं पे देखो कि गर्ल्स जो है यहाँ पे फुटबॉल नहीं खेल सकती और बॉयज़ फुटबॉल खेल सकते हैं, और गर्ल्स जो है यहाँ पे साइकिल चला सकती है और बॉयज़ जो है साइकिल स्कूटी नहीं चला सकते। इस तरह से बहुत सारे जो है जेंडर बेस्ड MCQs होते हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो ये एक जेंडर रूढ़िवादिता होगा, यहाँ पे एक जेंडर बेस्ड को यहाँ पे जो है फॉलो करेगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये भाई सरासर दिख रहा है कि भेदभाव क्रिएट करने हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता उसे हम कहते हैं, समझे। गर्ल्स और बॉयज में जब यहाँ पे भेदभाव जो है क्रिएट किया जाता है उसे जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। नेक्स्ट, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में ब्लैंक है, समस्या है रुकावट संसाधन बाधा। वे कक्षा में विविधता अध्यापन, देखो आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं या फिर 30 बच्चे हैं या फिर 35 बच्चे हैं या फिर 45 बच्चे हैं, है ना। तो बताइए ये सभी बच्चे जो है एक विविधता रखते हैं, आपने आप में एक व्यक्तिक विभिन्नता रखते हैं। तो कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या है, क्या बाधा है, समस्या है, रुकावट है, क्या है, संसाधन है। भाई सभी जो यहाँ पे ये बालक है देखो 40 30 35 45 अपने अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, अलग सबका समाज संस्कृति, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग सबका IQ लेवल, विचार विमर्श, सोचने की क्षमता, रुचि, रहन सहन, कल्पनाशीलता, सब चीज़ सभी जो है बालकों में क्या है, अलग अलग है। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता को आधार बनाकर ही आप शिक्षा को जो प्रोवाइड कराते हैं तो वो हमारे लिए बाधा उत्पन्न नहीं करती, बल्कि क्या होती, एक संसाधन होती, महत्वपूर्ण होती, इंपोर्टेंस यहाँ पे देती है, समझे। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, सत्र के पहले विशिष्ट शिक्षक के द्वारा किया गया मूल्यांकन, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो यहाँ पे देखो मानकीकृत वर्ष तो वैसे भी गलत होगा। देखो जब हम यहाँ पे अधिगम, शिक्षण अधिगम हमारा जो है स्टार्ट चला हुआ है, चल रहा है या फिर हमने करा दिया है फिर कराने वाले हैं, तो इस वक्त हम जब मूल्यांकन करते हैं सभी विद्यार्थियों का तो अधिगम का रूप बन जाता है। बताइए क्या यहाँ पे अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो क्या आप उसे कहेंगे कि नहीं सत्र के अंत में ही मैं आपका मूल्यांकन करूँगा? क्या आप टीचर्स होने के नाते उस बच्चे को ये कहेंगे, नहीं भाई अब नहीं होगा, अब तुम्हें प्रॉब्लम्स हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाओ तुम, मैं तो सत्र के अंत में यानी कि एक साल पूरा होने के बाद में जब आपका एग्जाम्स हो जाएगा तभी आपका यहाँ पे मूल्यांकन करूँगा। गलत, ऐसा नहीं करना है। या फिर सत्र के पहले, भाई अभी तुम्हारे स्टार्ट नहीं हुआ है एग्जाम्स यहाँ पे और इससे पहले तुम्हारा मूल्यांकन कर लेता हूँ, चलो गलत होगा। जब कुछ अब तक नहीं किया है तो फिर हमें कहाँ पे क्या त्रुटि हुई कैसे पता चल जाएगा, नहीं ना, बल्कि विद्यार्थियों के द्वारा किया गया स्वयं मूल्यांकन, सी ऑप्शन क्या होगा, बेटर होगा। देखो विद्यार्थियों द्वारा स्वयं किया गया क्या मूल्यांकन, कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है उसकी पहचान करना, उपचार करना, निदान करना और फिर यहाँ पे जो है सही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये एक बेहतरीन तरीके से इसका असेसमेंट करना, आकलन करना, मूल्यांकन करना, ये बेटर होगा। और जब स्टूडेंट्स के द्वारा स्वयं किया जाता है तो इसमें तो जो है बेटर एक्टिव रहते हैं, ये सबसे बेस्ट होगा। और ये शिक्षण गतिविधि के दौरान कंटिन्यू चलता रहता है जब आप शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं। चलो नेक्स्ट है, लास्ट है, अभिकथन है और तर्क है। किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेह को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखो किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेह को स्पष्ट, बिल्कुल सही बात है। टीचर्स अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं या फिर आप अपने टीचर से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। और अगर हमें कोई संदेह है
तो हम बिल्कुल रुक करके उस संदेह को भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल जो भी हमें त्रुटि हो रही है, जो भी हमारे अंदर जो भी यहाँ पे जो है समस्या चल रही है, बिल्कुल हम टीचर से लोगों से पूछ सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन सवाल पूछना समालोचना मतलब चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है? नहीं, बाधा पैदा नहीं करता है, बल्कि क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। बस यही वर्ड गलत दे दिया। सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा क्रिएट नहीं करता है, इम्पोर्टेंस होता है। जब आप यहाँ पे टीचर्स होके स्टूडेंट से क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, तो इस तरीके से समालोचनात्मक चिंतन वो अलग अलग यहाँ पे जो है बेस से सोचने की कोशिश करते हैं और जो है चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं और बेहतरीन तरीके से आपका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो वो कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, कोई रुकावट उत्पन्न नहीं कर रहा है, बल्कि वो आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंस है। अब देखो, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। बस हमें और ऑप्शन को देख ही नहीं है, क्योंकि सी ऑप्शन बेटर होगा। ए तो सही है लेकिन आर यहां पर क्या बता दिया है, गलत बता दिया कि बाधा उत्पन्न करता है। भाई सवाल पूछना कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि इंपोर्टेंस होता है, बच्चा रुचि भी लेता है इसमें। तो बस 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। अब यहाँ पे कुछ क्वेरी है और ये सेशन आपको कैसा लगा, सो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा। और भाई देखो, अगर कोई भी बाय मिस्टेक गलती हुई है या फिर कुछ भी त्रुटि, तो प्लीज़ आप हमें माफ़ ज़रूर कीजिएगा। और अब हम यहाँ पे जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब ये कुछ टर्म्स है, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब की। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप जो है सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।